हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, एक्टिवा में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, या कोई भी स्कूटर आप कह सकते हैं, हैंडल वाइब्रेशन का। लो स्पीड में जब आप स्टार्ट करेंगे तो हैंडल में अजीब टाइप का वाइब्रेशन फील होगा और जो आपकी एक्टिवा है आगे बढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगी। तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि रोलर का प्रॉब्लम होता है, और रोलर अगर आपका फ्लैट हो गया है, मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाया, तो वो प्रॉब्लम होता है। बट बहुत सारे ऐसे कमेंट आए उस वीडियो में कि मैंने रोलर भी चेंज कर लिया, मैंने क्लच का भी काम कर लिया, बेल्ट भी सही है, फिर भी क्यों प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी मेरा जो एक्टिव है लो स्पीड पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है आगे बढ़ने में और इरिटेट करती है, वाइब्रेशन हैंडल का फील होता है। तो ये इसके पीछे रीज़न क्या है? तो दोस्तों, कभी भी अगर आप रोलर लगाते हैं तो जो वो स्कूटर है उसी के लिए रोलर आपको लगाना है। रोलर का जो वेट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक्टिवा में बहुत सारा मॉडल है, उसी तरह जुपिटर है, वेगो है, वेगो में तो खैर उतना मॉडल नहीं है, तो उसको आपको देख के नहीं, ये नहीं कि किसी भी स्कूटर का आप लगा दिए तो वो जो वेट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो जो वेट है उसी हिसाब से आपका वो सेंट्रिफ्यूगल एक्शन होगा और उसी हिसाब से आपकी जो स्कूटर का कितने आरपीएम पे कितना स्पीड होना चाहिए, यहाँ पे कितना टॉर्क होना चाहिए, वो सारा कुछ उसी पे डिसाइड होगा। तो सपोज़ अगर आप लो स्पीड पे हैं और जो आपका आरपीएम हाई वहाँ पे शो कर रहा है, ऊपर में है, तो वहाँ पे आपको सफोकेशन फील होगा, आपका एक्टिवा सफोकेट करेगी। ये ऐसे ही है जैसे कि मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, आप अभी रेस्ट में हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और उसी समय आपने फोर्थ गियर डाल दिया, तो वो अगर मोटरसाइकिल है तो वो भी आपका वाइब्रेट करेगा उसका हैंडल। यही चीज़ है। तो जो टॉर्क और स्पीड का जो रेशियो होता है वो उसी हिसाब से रोलर से डिसाइड होता है, इसीलिए वाइब्रेट करती है। बट एक क्वेश्चन और आता है कि भैया, मैंने सब कुछ करा लिया फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, रोलर भी मैंने सही डाला फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, अब उसके पीछे क्या रीज़न होता है? तो उसके पीछे एक और रीज़न होता है कि आपका जो ये जो व्हील है, व्हील का बेयरिंग आपका अगर डैमेज है तो ये आपका जाके ब्रेक शू में टच करती है, थोड़ा सा ऊपर आ जाती है, और यहाँ पे देखिए इसका जो व्हील बेयरिंग है, पता नहीं आपको कैमरा में कितना फील हो रहा है, आप देखेंगे बहुत गंदे तरह से कटी हुई है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैंडल वाइब्रेशन इसमें हो रहा है, इसमें बहुत गंदा साउंड भी आ रहा है चलने के टाइम में। तो ये अगर आप में भी अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार, ज़्यादा नहीं कि आपको कुछ सर्विस सेंटर, ये जस्ट एक बार खुद से आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये खुद आपको फील आ जाएगा, अगर मैं इस टायर को मूव करूँ तो देखिए बहुत ज़्यादा प्ले है इसमें, बहुत ज़्यादा प्ले। देखिए मैं आपको इसका आवाज़ भी सुना देता हूँ, ये देखिए बहुत एक्सेसिव प्ले है इसका, बियरिंग या तो टूटा है या टूटने वाला है। तो ये सब रीज़न होता है। और दोस्तों, ये जो एक्टिवा है ज़्यादा नहीं चली है, 30,000 किलोमीटर के लमसम चली है और इसका बियरिंग डैमेज हो गया। तो दोस्तों, पहले मैं देखता था कि जो एक्टिवा थी उसका बियरिंग आराम से 50-60,000 तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आता था, बट अभी ये 30-35 पे ही प्रॉब्लम आने लगा, बहुत एक्सेसिव प्ले है। तो कंपनी कॉस्ट कटिंग तो कर ही रही है, अब इतना घटिया तो नहीं होना चाहिए कि इतना जल्दी इसका बियरिंग इस तरह से कंडीशन में आ जाए। और ये एक्टिवा 4G है, ये देखिए। तो अगर आपके एक्टिवा में भी या कोई भी स्कूटर में ये सब प्रॉब्लम अगर आता है तो आप ये सब चीज़ चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आई थिंक ये जो ओल्ड ओनर था इसका, इसने इसको कहीं बनवाया होगा, कभी कुछ इसका काम हुआ होगा बेल्ट वेल्ट का। तो ये देखिए, एक बोल्ट यहाँ पे ढीला लग रहा है और यहाँ पे एक बोल्ट गायब ही है, ये देखिए, और यहाँ पे एक गायब है। तो ये होता है दोस्तों, कोई कोई जो मैकेनिक होते हैं ना, वो एक दो बोल्ट कम ही लगाते हैं, बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, अरे इतना सारा बोल्ट है, एक बोल्ट नहीं लगेगा तो क्या होगा। और इस तरह से आपके एक्टिवा का ये होता है। तो जब भी आप काम कराएं तो एक बार बोलिए कि भैया 10 रुपया ज़्यादा ले लीजिए, बट
जितना बोल्ट है वो पूरा लगाइए, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लग जाएगा जो हो, लेकिन भैया लगाइए पूरा। तो दोस्तों प्लीज लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब किए और साथ में उस बेल आइकॉन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।